वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। आज सुबह मैं क्लास नहीं ले पाया था, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो सुबह वाली क्लास आज हो नहीं पाई थी। फीलिंग बेटर नाउ, तो आज करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी अमेजिंग टीम है जो आपकी क्लासेस ले रही है नीट और एम्स के लिए। मैंने लाइट नहीं जलाया, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी लाइट कम है, एक सेकंड बच्चों। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो गाइस वेलकम टू अकेडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। हम लोग आज एम्स का पेपर 3 डिस्कस करने वाले, आखिरी 2019 का सारा पेपर हम डिस्कस करेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन जान लो जल्दी से। मेरा नाम डॉक्टर आनंदमणि है। आई एम एन MBBS ग्रेजुएट फ्रॉम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। मेरा ऑल इंडिया रैंक 416 था जब मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और मैं पिछले 4 साल से नीट और एम्स एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको 2 घंटे के लिए मिल जाता हूँ, 10 AM to 11 AM एंड 10 PM to 11 PM। हम लोग एक और प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं जिसका नाम है अनअकैडमी प्लस। प्लस मतलब यहाँ पे कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है? आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाता है, लाइव क्लासेस मिल जाती है, एंड पर्सनलाइज वन ऑन वन इंटरेक्शन मिल जाता है। अगर आप पूरा कोर्स गाइडेंस चाहते हो मुझसे, पूरा एनुअल कोर्स गाइडेंस चाहते हो, और आप बायो में फुल मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली प्लस प्लेटफॉर्म पे आए। हमारा कोर्स 1st of August से लॉन्च हो गया था, जहां पे कंप्लीट बायोलॉजी फॉर ड्रॉपर्स चल रहा है, और आज मेरे 42 इनरोलमेंट्स हो गए हैं, ठीक है। तो वी आर लुकिंग फॉर 8 more इनरोलमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट बायोलॉजी फॉर ड्रॉपर्स का कोर्स है, जहां पे हम चाहेंगे कि बच्चे बायो में 360 में 360 लाएं। कैसे लाएंगे, क्या करना है उसके लिए आपको? तो उसके लिए आपको ये प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है जिसका अमाउंट 25,000 है, और यहाँ पे कूपन कोड डालना है आपको जिसका नाम है आनंद10। जैसे ही आप आनंद10 डालेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरे कोर्स में एक नया स्टूडेंट आया है। तो आपको ये कूपन कोड यूज करना बहुत मैंडेटरी है। डिस्क्रिप्शन में प्लस का लिंक है, प्लस के लिंक पे क्लिक कीजिए आप, डायरेक्टली ये पेमेंट का गेटवे आ जाएगा। यहाँ पे कूपन कोड आनंद10 डालिए और आप प्लस कोर्स में मेरे साथ इनरोल हो जाएंगे, जो 1st of August से स्टार्ट हो गया। तो गाइज आप लोगों ने 8 क्लासेस छोड़ दिए हैं, तो जल्दी से अगर कोई आ रहा है तो वो जल्दी से प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ठीक है। चलो गाइज फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 136 तक हमने कर लिया था, हार्डी विनवर इक्विलिब्रियम तक कर लिया था, 137 से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन आ गया देखें। हिमाद्री, नेहा, रीना, अशोक, शिवानी, प्रियंका, तेजा, शांतनु, दर्पण, गीतांश, अनुराग, तगदीश, विराज, आशीष, निखिल, सबा, वसीम, एसके गुलाब, निखिल। चलो क्या आंसर, आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड गाइस, एसके गुलाब का पहला आंसर आया, आंसर आया 1। यार ये लाइट को क्या हो गया। हाँ आंसर आया 1, एसके गुलाब 1, शांतनु 2, निखिल 2, वसीम 2, गीतांश 1, विराज 2, सबा 2, विनोद 2। क्या है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग के लिए, अरे यार क्या हो रहा है, इनब्रीडिंग के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? क्या है भाई? इनब्रीडिंग डिप्रेशन इनक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगा। तो पहला ही गलत है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन डिक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। तो आंसर क्या है? पहला ही गलत है, ठीक है। दूसरा देखें, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी ओवरकम बाय आउट क्रॉस। तो हम क्या करते हैं, 4 to 6 जनरेशन डिफरेंट ब्रीड को क्रॉस करा देते हैं और आउट क्रॉस से मेरा काम हो जाता है, राइट। प्रोड्यूसेस प्योर लाइन, ये भी सही है, और इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ये भी सही है। तो आंसर मेरा क्या है, 1। क्या है? एनसीईआरटी माता का पेज नंबर 167। क्या है? हाउएवर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इंटरब्रीड इनब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी। लिखा है यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, और इसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। पेज नंबर 167, आंसर 1।
नहीं विनोद, आज 10 AM वाले क्लास नहीं हुई थी बाबू, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। चलो अगला, मार्क द करेक्ट वन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो निकल कर देते हैं इनकरेक्ट और नाथ को। एसके गुलाब 4, वेरी गुड। वसीम 4, शांतनु 1, निखिल 1, आशीष 1, नैतिक 1, अनुराग सिंह 4, प्रियंका 1, विराज 1। क्यों भाई, ये कैसे 1 है? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यहां पे लेबियो में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये गलत है। चलो ठीक है, फ्रॉग में भी एक्सटर्नल होता है, ये भी गलत है, बर्ड में इंटरनल होता है, ये भी गलत है, और बेलेनोप्टेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये मैमल है, बेलेनोप्टेरा इज मैमल और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो आंसर इज 4। बेलेनोप्टेरा इज मैमल और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंसर क्या है? 4 है मेरा। देखो डायग्राम, ये चौथा वाला, ये जो है ये बेलेनोप्टेरा है। एनसीईआरटी माता, पेज नंबर 59, आंसर इज 4। ठीक है, सारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग अर्थवॉर्म। देखो इसीलिए अर्थवॉर्म पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एम्स में अर्थवॉर्म आ ही जाता है, अर्थवॉर्म और फ्रॉग आता है एम्स में, ठीक है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। चलो अगला, एटलीस्ट जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से है उसमें गलती मत करो। चलो अगला अगला, हेलो अली, आंसर बच्चों, शांतनु का सबसे पहला आंसर आया 4, पेयर ऑफ शर्मा ठीक है, आर लोकेटेड इन 6 to 9 सेगमेंट, वेरी गुड। तेजा 4 ठीक है, जयप्रकाश ए, एक पेयर थोड़ी होता है, ये गलत है बाबू, ठीक है, 1 तो गलत है। नैतिक 2, 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिका वेंट्रोलैटरल, ये भी गलत है, ठीक है। प्रियंका 4, सबा 4, एलिना 4, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिका लोकेटेड इन 6 to 9 सेगमेंट, बिल्कुल सही जवाब, 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिका लोकेटेड इन 6 to 9 सेगमेंट, एंड दे रिसीव एंड स्पोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन, दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन, पेज नंबर 110 और आंसर है 4, बिल्कुल सही जवाब, 4 इज द करेक्ट आंसर, गुड जॉब गाइज। अगला क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है इसको, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। हां जी, जय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ लोगे तो नैया पार हो जाएगा, बायोलॉजी में किसी और चीज का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वसीम 1, नैतिक 1, निखिल 1, एसके गुलाब 2, अनुराग 1, अली 1, शांतनु 4, मोहित 1, तेजा 1, अनन्या 1, चल विनोद प्रजापति 1। क्या है भाई, सहेली इज अ वंस अ वीक पिल, बिल्कुल सत्य वचन, शुरू में सहेली वंस अ वीक पिल ही होता है,
ये कहां से डिस्कवर हुआ था? ये डिस्कवर किया था CDRI, एकदम देसी पिल है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डिस्कवर हुआ था, एंड इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल कॉम्बिनेशन, नॉन स्टेरॉइडल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ये वंस अ वीक पिल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन रिलीजेस इस्ट्रोजन, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, गलत हो गया। CU2 इज अ बैरियर मेथड, बैरियर मेथड नहीं होता, ये IUD मेथड होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी आर परमानेंट मेथड, तो ये भी गलत है, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होगा। तो आंसर इज 140 का 1 है करेक्ट आंसर। अगला 141, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अरे वेरी गुड निखिल, बगल में रहते हो CDRI के। चलो अगला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, क्या है अमेरिका, कौन सा है भाई, ये अपना कॉकरोच है, बस साइंटिफिक नाम बदल गया। आंसर क्या है? अनुराग 3, नैतिक 4, गोला 4, तेजा 4, शांतनु 3, सबा 3, वसीम 3। अरे इसमें क्या लोड लेना था भाई, इसमें क्यों 3? एनल स्टाइल आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। इट हैज 10 थोरैसिक सेगमेंट, ये भी गलत है। इट हैज 6 मस्कुलर हार्ट, ये भी गलत है। तो क्या है? नॉक्टर्नल होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन डैम प्लेसेस, 4 इज द करेक्ट आंसर। इतना अच्छा ऑप्शन है, इतना सीधा साधा ऑप्शन दिख रहा है, पर जो कॉकरोच होता है वो नॉक्टर्नल होता है, रात में ही दिखता है, ठीक है। कहां से आया भाई ये? तो ये भी एनसीईआरटी माता बोलती है, कहां पे बोल रही है, पेज नंबर 111 में उन्होंने कहा है, कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, देयर साइज रेंज फ्रॉम 3 इंच एंड हैव लॉन्ग एंटीना लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल, दे आर नॉक्टर्नल ऑमनिवोरस एंड लिव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे आर नॉक्टर्नल ऑमनिवोरस एंड लिव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखो साफ साफ है, कोई नहीं, गॉट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में ही सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। एनिमल ऑफ विच फाइलम हैव हुक्स एंड सकर्स एंड आर एंडो पैरासाइट ऑन अदर एनिमल्स, कौन से एनिमल में हुक और सकर है और एंडो पैरासाइट होता है, मतलब अंदर बॉडी के अंदर रह रहा है। हाँ जी एनसीईआरटी माता की जय, जितनी बार बोलोगे उतना अच्छा है, उतना कृपा बना रहेगा। चलो आंसर 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 जल्दी, एनिमल ऑफ विच फाइलम हैव हुक्स एंड सकर्स एंड आर एंडो पैरासाइट ऑन अदर एनिमल। शांतनु बोल रहा है एस्केल हेलमिंथस, एस्केल गुलाब प्लैटी हेलमिंथस, ठीक है। प्रियंका प्लैटी हेलमिंथस, ओनली स्टडी पहला प्लैटी हेलमिंथस, निखिल पहला, आशीष पहला, अनन्या पहला, गुड 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 गुड, वेरी गुड गाइज, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, राइट। प्लैटी हेलमिंथस जो होता है इसके पास सकर्स होते हैं, कहां है भाई ये लिखा हुआ, देखो दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है इनके पास, इसलिए इसको हम फ्लैटवर्म कहते हैं। दे आर मोस्टली एंडो पैरासाइट, है ना, दे आर मोस्टली एंडो पैरासाइट यहां पे, ठीक है। क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री एंड ए सिलोमेट, ए सिलोमेट हो गया यहां पे, तो एंडो पैरासाइट है, ए सिलोमेट है, एंड हुक एंड सकर्स आर फाउंड, ठीक है। तो तीनों पॉइंट है, एंडो पैरासाइट है, ए सिलोमेट है, एंड हुक एंड सकर्स आर फाउंड, एग्जाम्पल टीनिया और फैसियोला
पेज नंबर 51 आंसर इज 1, ठीक है, पेज नंबर 51 आंसर इज 1। एग्जैक्टली एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनसीईआरटी ही रहता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखो एम्स में भी लगभग 92% क्वेश्चन एनसीईआरटी का रहता है, 5-6 क्वेश्चन बाहर का होता है, पहले 92% तो हम लोग ले आए, उसके बाद बात का देख लेंगे, राइट। चलो इसको करो इसको करो इसको करो, इजी क्वेश्चन है। चलो आंसर बच्चों जल्दी। जयप्रकाश जाट गबरू 1, अच्छा इसके बाद का आंसर सी। तेजा 2, वसीम 2, कृष्णा 2, अनुराग 2, जयप्रकाश 1, गेमिंग 1, मोहित। चलो क्या है भाई, न्यूक्लियोसाइड इज, न्यूक्लियोसाइड क्या होता था, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो नाइट्रोजन बेस मेरा क्या क्या था, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, पेंटोज शुगर मेरा था राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज। तो इन दोनों को जोड़ के कौन कौन सा है, तो राइबोज शुगर, ये मेरा राइबोज शुगर है, कौन सा, 2OH है तो राइबोज शुगर है, ये मेरा न्यूक्लियोसाइड है, ये मेरा न्यूक्लियोसाइड है, तो ये दोनों मेरा न्यूक्लियोसाइड हो गया, ठीक है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप लग गया है तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है, और ये मेरा नाइट्रोजन बेस है, ये प्यूरीन है, 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो कौन कौन सा हो गया, बी एंड सी, आंसर इज सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। मोनिका, दुष्यंत, तकदीस, नदीम, ओनली स्टडी, हां जी हां जी, सब न्यूक्लियोसाइड है, वेरी गुड गुड गाइस, ठीक है। कहां से आया भाई, सेम डायग्राम देखो एनसीईआरटी का टेपा हुआ है, टक 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 टक, चारों डायग्राम सेम एनसीईआरटी का टेपा था, पेज नंबर 145, आंसर इज 2। देख रहे हो एम्स के क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से एम्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, दिख रहा है ना, और तुम लोग हाईफाई किताब पढ़ते हो, कोई नहीं विराज, नाम में क्या रखा बच्चे। अच्छा देखो, ए सीलोमेट, बिना सीलोम का कोई ऑर्गन बताओ जिसके पास फ्लेम सेल्स होते हैं, कोई नहीं तो जल्दी मत दो आंसर, धीरे धीरे दो, आंसर बच्चों सभा 1, एसके गुलाब 1, एलिना 1, आशीष 1, अनन्या 1, मोनिका 1, प्रियंका 1। चलो चलो सबको पता है इसका आंसर, तो फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया प्लैटीहेल्मिंथस में होगा, वेरी गुड, फ्लेम सेल्स प्लैटीहेल्मिंथस में होता है, एंड ए सीलोमेट होता है, वो तो हमने पहले देख ही लिया था, तो इसका आंसर 1 है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। फ्लैटवर्म है, बायलैटरल सिमेट्रो एंड ए सीलोमेट, ठीक है, ए सीलोमेट होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, कहां से आया, पेज नंबर 51, आंसर 1 ऑफ एनसीईआरटी, बिल्कुल हां जी, एनसीईआरटी माता की जय, ठीक है। पेज नंबर 140, सॉरी क्वेश्चन नंबर 145,
गुड देवांशु सबसे पहले दिया तो कोई नहीं वसीम ऊपर से। अरे एक्चुअली मेरे पास जिस सीक्वेंस में आता है उसी सीक्वेंस में मैं देखता हूं बाबू। ठीक है निखिल कोई नहीं ध्यान रखेंगे आगे से। चलो अगला जीन क्लोनिंग है, जल्दी 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 जवाब। गेमिंग योगा आंसर पहले आया है थ्री, अंश का फिर आया थ्री, आशीष का थ्री, एलिना का थ्री, शांतनु का थ्री, विनोद का थ्री, मोहित का थ्री, नैतिक थ्री, अनन्या थ्री, बाप रे सबका थ्री आ रहा है। देखो ध्यान से बाबू, जीन क्लोनिंग 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 हम कब करते हैं, जब जीन को आइसोलेट करते हैं, इसको जब इंसर्ट करते हैं हम प्लाज्मिड में तो इसको हम वेक्टर कहते हैं, प्लाज्मिड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म में हम करते हैं तो इसको हम वेक्टर कहते हैं, ये क्लोनिंग नहीं होगा। ठीक है, इट इज इंसर्टेड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जीन को निकाले और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम डाल देते हैं, उसको हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। सबका थ्री आया यार, जीन इज आइसोलेटेड इन क्रोमोसोमल डीएनए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहां पे जो अदर ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ये दोनों सही हो सकता है, बी और सी दोनों सही है, बट बी में क्या है कि सी में क्या है कि प्लाज्मिड डाल दिया, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लाज्मिड से ही जीन क्लोनिंग होगा, जीन क्लोनिंग किसी तरह डायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है, आंसर इज टू, इसका आंसर टू है बच्चों, जीन क्लोनिंग डायरेक्टली भी हो सकता है, राइट, जरूरी नहीं है कि प्लाज्मिड है, तो इसलिए तुम लोग कंफ्यूज करके ध्यान से पढ़ो क्या है, जीन इज आइसोलेटेड एंड इंसर्टेड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कैसे भी इंसर्ट कर सकते हैं वो मेरी मर्जी है, राइट सिर्फ प्लाज्मिड से तो वेक्टर वाला ट्रांसफर हुआ, बिना वेक्टर लेस का कर रहे हैं तो भी तो वो जीन क्लोनिंग ही है ना। हां जी, क्लोनिंग का मतलब है बहुत सारी कॉपीज बनाना, बट बहुत सारी कॉपीज किसका, किसी एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट का, वो बिना प्लाज्मिड के भी बन सकता है ना, हम डायरेक्टली अगर होस्ट सेल में डाल दिए तो भी बन जाएगा, तो सेकेंड भी हो सकता है आंसर। ठीक है, क्या है बाबू, देखो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, That is use of gene cloning and gene transfer. Use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allow to introduce only one or set of desirable gene without introducing undesirable gene into target organism. कहीं लिखा है इसमें कि हम प्लाज्मिड के थ्रू ही घुसा रहे हैं, किसी तरह भी घुसा सकते हैं, यहां कहीं प्लाज्मिड का नाम नहीं है, तो सेम एनसीईआरटी का लाइन ये चिपका दिया है, तो अगर एनसीईआरटी अगर एम्स का आंसर की देखोगे तो इसका आंसर टू था। ठीक है, तो जो अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते तो ये करेक्ट हो जाता, मैं नहीं कह रहा प्लाज्मिड वाला बात गलत है, बात सही है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि प्लाज्मिड होगा, इसलिए सबका आंसर गलत हो गया। और देखो यहां पे जो लड़का सही कर दिया होगा उसका सिलेक्शन का डिटरमाइन हो गया होगा ये, इसीलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत बेतुका लाइन था वो, ठीक है, लेकिन आंसर अल्टीमेटली क्या हो रहा है कॉम्पिटिशन में, आपको यहां पर आप एक नंबर माइनस हो रहा है। चलो अगला आते हैं एसेंशन रीजन पे, एमोक्सिसिलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है ये, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, हां जी हाफ करेक्ट हाफ रॉन्ग, चलो गुड अनुराग, एमोक्सिसिलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्या मतलब होता है बाबू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का, बी प्रियंका बी, निखिल बी, वसीम बी, एलिना बोथ आर ट्रू एंड ठीक है, तो बी, अनुराग सी, तेजा टू, एसके गुलाब टू, सबा टू, क्या है भाई एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरियल के लिए डिजीज के लिए हम उस एंटीबायोटिक को दे सकते हैं, उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं कि इट कैन एक्ट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया ये बन गया एंटीबायोटिक बनता है पेनिसिलिन से, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पेनिसिलिन, बट ये एक्सप्लेन नहीं किया है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता क्या है, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो द आंसर इज टू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही से नहीं किया तो द आंसर इज टू, राइट।
हाँ जी, जरूरी नहीं है ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, अगर ग्राम नेगेटिव में भी 20 स्ट्रेन बैक्टीरिया को अगर इफेक्ट कर रहा है कोई एक एंटीबायोटिक तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अगर है वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को इफेक्ट कर रहा है कोई एंटीबायोटिक तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, नॉट नेसेसरीली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों। सब एंटीबायोटिक पर ऐसा नहीं करेगा, सब सब बैक्टीरिया पर नहीं करेगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलो अगला सवाल, 100 ml ऑफ ब्लड, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल कंडीशन। गीतांश 2, सूर्यलोक 2, आशीष 2, गेमिंग 2, निखिल ए, अनन्या 2, प्रियंका ए, एसके गुलाब 2, चलो चलो अंश 2, क्या है भाई विराज 2, क्या है 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल कंडीशन, बिल्कुल सही है। और स्ट्रेनस एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज के टाइम पे ये देता है 15 ml ऑफ O2, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यह भी बिल्कुल सही है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है मेरा वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भाई क्या है, एनसीईआरटी माता के पेज नंबर 274 में आंसर 2 दिया है, क्या है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो द आंसर वुड बी 2। कहां एक्सप्लेन कर रहा बाबू, अगर 4 हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है तो ये थोड़ी बताया है कितना हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है या कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है जिससे वो जस्टिफाई करेगा, तो इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग। चलो अगला एसर्शन, प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स, ठीक है। दूसरा, प्रोटो ऑन्कोजीन्स मे कॉज मैलिग्नेंट ट्यूमर इन एनिमल्स इफ एक्टिवेटेड। क्या हुआ गीतांश, सेकेंड, सबका सेकेंड ही आ रहा है आंसर, वसीम सेकेंड, एलिना सेकेंड, निखिल सेकेंड, विनोद सेकेंड, प्रियंका, हेलो श्रुति, कशिश, शांतनु, सभा, गेमिंग, नैतिक, चलो चलो विराज बाद में फ्लाइट पर चढ़ा लेना, सुन लो बेटा अभी पहले क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स। देखो हर सेल में क्या होता है, दो तरह का जीन होता है, एक को हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन और दूसरे को कहते हैं हम ट्यूमर सप्रेशर जीन, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है। ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है मेरा प्रोटो ऑन्कोजीन और ये वाला मेरा होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है, तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन मेरा इनएक्टिवेटेड स्टेज पे रहता है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कराएगा और ट्यूमर बनाएगा, और ट्यूमर अगर मेटास्टेसिस शो करेगा तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर मेरा है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर मेरा 2 है, आंसर इज 2, राइट। क्या हुआ गीतांश, एसर्शन, Na and K ions are necessary for muscular contraction. Oncology, Elina, study of cancer oncology. Depend करता है कौन सा cancer है। मैंने आईडी, यार मैं आईडी नहीं हटाता, ये सपोर्ट टीम का काम होता है, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं रहता कैसे हटाता।
फोर और टू, विराज का टू आ रहा है, कशिश फोर, निखिल वन, एलिना, आदित्य वन, वसीम वन, अनन्या वन, क्या बोल रहा है भाई? सुनो, हाँ अगर मेटास्टेसिस शो करेगा तभी मैलिग्नेंसी होगा, बिल्कुल। हेलो आदित्य, क्या है भाई एसर्शन? एन ए एंड के आई एन आर नेसेसरी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल। कहीं भी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कहाँ जनरेट होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये एक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए एन ए प्लस और के प्लस आयन का होना जरूरी है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? एन ए एंड के प्लस कंसेंट्रेशन चेंजेस अक्रॉस द मस्कुलर मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे जब डिपोलाइजेशन होता है तो इनफ्लक्स ऑफ एन ए प्लस आयन होता है, तो इनफ्लक्स ऑफ एन ए प्लस आयन के कारण क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब पोलराइजेशन चेंज हो रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर इसका वन है, राइट, आंसर इज वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम आयन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है कब? जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल देखो, सुनो क्या होता है, सुनो, गड़बड़ मत करो तुम लोग। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो जाता है तब क्या होता है, उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, एनएम जंक्शन जो है, ये जो इसका मेम्ब्रेन है, मेरा जो एक्सॉन टर्मिनल का मेम्ब्रेन है, एक्सॉन टर्मिनल का मेम्ब्रेन है, ये परमिएबल हो जाता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन रोल का रोल तब आता है जब एक्शन पोटेंशियल हो जाता है। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में कैल्शियम का रोल नहीं होता, कैल्शियम का रोल तब होता है जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, उसके बाद ये कैल्शियम आयन सिनाप्टिक वेसाइकल को पुश करता है टुवर्ड्स प्री सिनाप्टिक मेम्ब्रेन, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ठीक है। अगला, हाँ जी, वन इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मैल्फीजेंट ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, दे हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया एंड क्रेटिनिन, जल्दी आंसर बताओ। मैल्फीजेंट ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, दे हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन। थ्री गेमिंग यो थ्री, संस्कृति थ्री, निखिल थ्री, विराज थ्री, अर्पित थ्री, अपूर्वा थ्री, कशिश वन, विनोद वन। चलो थ्री और वन में आप लोगों को कंफ्यूजन है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। एक्सक्रीटरी फॉर्म किस फॉर्म में होता है? यूरिया के फॉर्म में नहीं होता है, दे एक्सक्रीट इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं मोस्टली इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, तो आंसर है सी, आंसर वुड बी सी, राइट। अच्छा निकल, कोई नहीं, ऊपर से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इज थ्री। अगला 151, अगला क्वेश्चन जल्दी, हाँ क्या क्या, थ्री 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 थ्री, सबका वन आ रहा है, 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 वन आ रहा है। चलो क्या है भाई, ओपोइड्स आर यूज एज ड्रग्स ऑफ अब्यूज, बिल्कुल, हम अब्यूज करते हैं ओपोइड्स को कभी कभी। कहां से आता है ओपोइड? पेपेवर सोमनीफेरम से। कौन कौन सा है? हीरोइन, मॉर्फिन, राइट। तो ये मेरा डिप्रेसेंट होता है एंड ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है, दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर हो गया वन।
राइट, वन इज द करेक्ट आंसर। अरे आंसर थ्री दिया है, क्यों भाई? मेटाबॉलिज्म तो स्लो डाउन करेगा, ये तो ठीक है, बॉडी का फंक्शन स्लो डाउन कर रहा है। आंसर वन होगा, ठीक है, गलती से आ गया बाबू, इसका आंसर वन होगा, ठीक है। चलो अगला, अमाउंट ऑफ साइनोकोबालमिन रिक्वायर्ड डेली इज 3 mcg, इट इज डिफिशियंसी कॉजेस पर्निशियस एनीमिया, क्या हो बाबू? हाँ कोई नहीं, टाइपिंग प्रॉब्लम। अनुराग वन, हाँ तेजा बोलो। हाँ कैनेबिनॉइड्स भी हेलुसिनेशन कराता है, मॉर्फिन भी कराता है, कोकेन भी कराता है, एट्रोपा बेलोडेना भी कराता है, और एलएसडी भी कराता है, सारे के सारे हेलुसिनोजन होते हैं अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। एनसीईआरटी में सिर्फ इसका दिया है कि स्पोर्ट्स पर्सन उसको अब्यूज करते हैं तो कैनाबिनॉइड्स का दिया, बाकी का नहीं दिया, बट वो स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? आशीष टू, अर्पित टू, तेजा टू, विराज टू, अनन्या, राजीव पाटिल, तकदीश, सबा, सुमित, नैतिक, क्यों समझ नहीं आ रहा विनोद? पर्निशियस एनीमिया होता है जब विटामिन, ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जब काम करता है तो विटामिन बी का अब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो इसके कारण आरबीसी फॉर्मेशन नहीं हो पाता, विटामिन बी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो वो नहीं हो पाता, तो साइनोकोबालमिन के कारण इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इज टू, ठीक है। पर्निशियस एनीमिया होता है एनीमिया कंडीशन में जब काम करता है, याद है जब मैंने पढ़ाया था उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर काम नहीं करता तो विटामिन बी का अब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता, विटामिन बी का अगर अब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो इरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा। मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी में विटामिन बी बहुत हेल्प करता है, अगर आरबीसी नहीं बन रहा तो पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। हाँ जी चलो अगला, 153 क्वेश्चन बनाओ। अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज जीन फॉर विच देर आर टू अलील डी एंड डी, द अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल डी इज 0.8, दिस पॉपुलेशन सेटिस्फाइड ऑल द हार्डी-विन वर्गलियम, व्हाट इज द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ, करने से होता है। आंसर जल्दी, डी 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 डी, चलो सबका डी ही आ रहा है। इजी क्वेश्चन है, देखो क्या है, क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील का बोल रहा है, तो अगर कहें तो डी प्लस छोटा डी इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो बड़ा डी अगर 0.8 है तो छोटा डी क्या होगा 0.2 और इज इक्वल टू वन, सम ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है हार्डी-विन वर्गलियम, ठीक है, तो अलील का बात कर रहे हैं तो मतलब पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन लगाएंगे, ठीक है, तो पी का वैल्यू अगर मेरा 0.8 है तो क्यू का क्या हो जाएगा 0.2, तो पी स्क्वायर मेरा डी डी दिखाएगा, तो ये जो डी डी है डी डी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी इज इक्वल टू 2pq और स्मॉल डी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, राइट, तो अब इसको निकाल लो, तो 0.8 का स्क्वायर
तो 0.64 राइट, तो कैपिटल डी, कैपिटल डी मेरा 0.64 है, इसको काट दो पहले से, ठीक है। स्मॉल डी क्या हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 0.04, ठीक है। तो ये मेरा q स्क्वायर का हो गया 0.04, तो ये हो गया p स्क्वायर, ये हो गया q स्क्वायर। 2pq निकाल लो, तो 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, तो 0.1 से होगा 0.32, तो ये 2pq हो गया, तो ये इसका आ गया कैपिटल डी, कैपिटल डी पी स्क्वायर का आ गया, और स्मॉल डी क्यू स्क्वायर का आ गया। तो आंसर मेरा है 0.64, 0.32 एंड 0.04, बच्चा वाला क्वेश्चन था, आंसर इज डी, आंसर इज डी, लइका वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला, फॉलोइंग इज द फिगर ऑफ एन एक्टिन फिलामेंट, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, बताना है हमको क्या क्या है। एक्टिन फिलामेंट है, यू हैव टू आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, यू हैव टू आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, बता जल्दी। हाँ हेलो हर्ष बोलो, हेलो मधु, ए बी एंड सी आइडेंटिफाई करना बच्चों जल्दी। निखिल डी, वसीम डी, अर्पित डी, तकदीश डी, आशीष डी, डी 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 डी, ऑब्वियसली ए मेरा ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन मेरा तीन तरह का होता है, आई सी टी, आई हो गया इनिबिटरी, सी हो गया कैल्शियम, और टी हो गया ट्रोपोमायोसिन, राइट। बी मेरा है ट्रोपोमायोसिन, बहुत इजी है, और ए मेरा है फिलामेंटस एक्टिन, तो सॉरी सी मेरा है फिलामेंटस एक्टिन, बी ट्रोपोमायोसिन, और ए मेरा है ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड फिलामेंटस एक्टिन, आंसर इज डी। ये भी लइका वाला क्वेश्चन था, बच्चा वाला ही क्वेश्चन था, राइट। चलो अगला, मैच द फॉलोइंग विथ कॉलम वन एंड टू, मैच कॉलम वन एंड टू, जल्दी मैच करो कॉलम वन एंड टू। जल्दी आंसर बच्चों क्या है, एलिना टू, वसीम डी, साबुद्दीन डी, अर्पित डी, विराट डी, शांतनु डी, आशीष टू, सभा डी, शांतनु। चलो ठीक है, क्या है सोमैटोस्टैटिन, क्या करता है भाई, कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, एडिनो हाइपोफाइसिस, अच्छा मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो रहा है मेरा पाइनियल ग्लैंड से, यहां से इसको ये कर दो एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये प्रोजेस्ट्रॉन कर दो कॉर्पस ल्यूटियम, और एससीजी मेरा प्रोड्यूस हो जाएगा ह्यूमन कोरोनिक ग्रोनाडोट्रोपिन प्लेसेंटा से, ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन मेरा कहां से हो गया, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड से, तो क्या है ए का 5, ठीक है, यहीं पे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। मेलाटोनिन बी का 1, सी का 4, डी का 2 और ई का 3, ठीक है, आंसर इज डी, बहुत इजी था, कोई नहीं ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, बस इस क्वेश्चन के बाद हम लोग बंद करेंगे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन गाइस, सिक्स ऑप्शन इसलिए था कि ऑप्शन एलिमिनेट ना कर पाओ तुम लोग। कभी कभी होता है ऐसा कि छह ऑप्शन दे देते हैं कि आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हाँ लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। वसीम वन, अर्पित वन, अनुराग वन, प्रीतिका वन, आशीष वन, अनन्या वन, सभा वन, चलो सबका वन 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 आ रहा है, क्या है भाई? बेसोफिल, बेसोफिल क्या कर रहा है? सीक्रेट हिस्टामिन सेरोनिन एंड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस कराएगा, मोनोसाइट्स भी तो वन ही होगा, मोनोसाइट भी फैगोसाइटोसिस कराएगा मैक्रोफेज बना के, ठीक है। इओसिनोफिल मेरा क्या करेगा? एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स मेरा इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी कराएगा, ठीक है। तो ठीक है, आंसर ए का टू, बी एंड सी का वन, डी का थ्री और ई का फोर, आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। गुड जॉब गाइस, ए इज द करेक्ट आंसर। आपने सक्सेसफुली एम्स के 60 क्वेश्चन बना लिए, इतने ही क्वेश्चन एम्स में आए थे 2019 में। अगर देख लो आप लोगों को कॉन्फिडेंस कितना मिलेगा कि कम से कम 80-85 क्वेश्चन आप लोगों से बन गया, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, देखो क्वेश्चन कितना सारा एनसीईआरटी से आता है, लगभग 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो गाइस आपको क्या करना है आपको पता है, unacademy.com/user/anandsir01। कल मुझे दो टॉपिक पे वीडियो बनाना है, छोटे छोटे टॉपिक्स पे, आप लोग सजेस्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए यहाँ पे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का आया, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का आया और मास फ्लो हाइपोथेसिस का अभी तक मैसेज आया हुआ है, ठीक है। गाइस इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना है ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें आपको सारे नोटिफिकेशन सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलो कल सुबह फिर 10 बजे मिलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट।